जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पांपा कुसा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के बारे में बताया है, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी आए, महीने में दो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान कृष्ण की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है, और जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी हो वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। जब घर में लक्ष्मी नारायण का वास होगा तो हर प्रकार के व्याधियाँ दूर होंगी, दरिद्रता मिटेगी और सभी देवताओं का आपके घर में वास होगा। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही हमारे जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं उनका नाश हो जाता है। ना चाहते हुए व्यक्ति कई ऐसे पाप कर बैठता है जिसे एकादशी के व्रत से वह पाप दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ में हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने मुझे सभी एकादशियों के बारे में बताया, अब मुझे अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्रदान कराने वाली है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही यह एकादशी सभी मनोरथों को पूरा करने के बाद साथ साथ अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते वे नरक में नहीं जाते, यानी मोहवश अज्ञानतावश पाप कर बैठते हैं, और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वह पाप आपके अवश्य दूर होंगे। जो व्यक्ति विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, संसार में तीर्थों के पुण्य का फल उन्हें प्राप्त होता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। हे राजन, जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर के वैष्णव की निंदा करते हैं, यानी भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, शिव के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको वैष्णव की यानी भगवान विष्णु के भक्तों की और भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे आप लाखों करोड़ों गुना आप दान पुण्य कर लें, अगर आप भगवान शिव और विष्णु में भेद समझते हैं तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सभी व्रत और फल एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य के शरीर में जब तक ये पाप निवास करते हैं जब तक वह एकादशी का व्रत नहीं करता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, इस व्रत को जो रखता है उसके 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापा को एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके 4 कुलों का उद्धार हो जाता है, साथ ही उनका भी उद्धार होता है और मनोकामना सभी पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में 8 दान कहे गए हैं। सोने का दान ना कर सके तो तिल का दान,
तिल का दान ना कर सके, भूमि का दान, गोदान, अन्नदान, जलदान, छत्रीदान तथा ज्योतिदान, यह मनुष्य को जरूर दान करने चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं और इनका दान करते हैं वह कभी भी यम की यातना नहीं भोगते, उन्हें भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। जब तक वो इस संसार में रहते हैं हर प्रकार का सुख और वैभव उनको प्राप्त होता है। हे राजन, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको क्या करना है वह ध्यान से सुने। सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से कई प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। बिजनेस अच्छा चलता है क्योंकि कुंडली में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। अगर सूर्य अच्छे हों तो सरकारी जॉब के योग बनते हैं, साथ ही हमारा व्यापार भी अच्छा चलता है, घर में सुख और समृद्धि रहती है, हमारा शरीर भी निरोगी रहता है। उसके बाद में भगवान सालग्राम को स्नान कराएं, भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद आप स्नान का जल है वह पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ये चरणामृत होता है, इसे आप पीना भी चाहिए। अकाल मृत्यु वरम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पातुकदम पित्वा पुनर्जन्मना विदिते, इतना महत्व होता है चरणामृत का। उसके बाद में तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने केले का फल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें जो कथा मैंने आपको बताई है। इस कथा का श्रवण करने से एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप ब्राह्मणों को दान करें, बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करें, वस्त्र दान करें, साथ ही इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता को आप वस्त्र दान उड़ा करके आएं, साथ ही मीठा खिला के आएं, केले का फल खिला के आएं। इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही गौ माता का पूजन करते हैं, उनके मन में जो भी कामना है, चाहे संतान की हो, धन की हो, व्यापार अच्छा ना चल रहा हो, जॉब ना मिल रही हो, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको स्वयं पूर्वक व्रत रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपमान ना करें, नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, इससे धन की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान शिव को अगर कमलगट्टा चढ़ाए जाएं और वह कमलगट्टा तिजोरी में रखे जाएं तो कभी भी धन की कमी नहीं रहती, व्यापार बहुत अच्छा चलता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो एकादशी की कथा थी और पूर्ण विधि मैंने आपको जानकारी दी है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही आप इन नियमों का ध्यान रखें और पूरे श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगा करके भगवान को आप व्रत का पारण करें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी